जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम सिंस का यूज़ करने वाले हैं। सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो सिंस सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। सिंस तब से लेके अब तक की सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, एक निश्चित समय के लिए। निश्चित समय अगर हम बता रहे हैं कि तब से लेके अब तक, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बोला मंडे से, तो मंडे क्या है, एक निश्चित समय है। मंडे 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 ही रहेगा ना, तो मंडे एक निश्चित डे है। तो उससे अगर हम बोल रहे हैं कि मैं मंडे से ये काम कर रही हूँ, सिंस मंडे, समझ आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, सिंस मंडे लगा दिया, क्योंकि मंडे से और अभी भी इस काम का असर है, इसीलिए मैं इसको क्या लगाऊंगी, सिंस मंडे। सिंस ट्यूसडे मतलब उस काम का तब से लेके अब तक असर होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे कि आपने मॉर्निंग से कोई काम कर रहे हो, या मॉर्निंग आप बताना हो कि भाई मैं मॉर्निंग से कोई मतलब कहीं जा रहा हूँ, तो आपका उसका असर अभी भी होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि सिंस मॉर्निंग है ना, सिंस इवनिंग, जो भी आपका निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट है ना, सिंस सनसेट, आपको ये सब यूज़ करना है, बस एक निश्चित समय होना चाहिए। सिंस यस्टरडे, यस्टरडे भी एक निश्चित टाइम है आपका, मतलब कल से, सिंस यस्टरडे। सिंस विंटर, विंटर क्या हो गई आपकी, सर्दी एक ऋतु हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये बिल्कुल फिक्स हो गया। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, सिंस वहाँ लगाएंगे जहाँ पे निश्चित समय होगा, और उसका असर अभी भी होना चाहिए, प्रेजेंट में भी उसका असर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।